अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेटर मुश्ताक और ताहिर बजिंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। इलेक्शन शफाफ नहीं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, सेनेटर्स का इजहार ख्याल। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म फिर मौखर, समात बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज ना होने के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी एक बार फिर मौखर हो गई। अगर मैंडेट वापस ना दिया गया तो मामला बेकाबू हो जाएंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर का कहना है कि कोई माने या ना माने, अवाम ने वाजे तौर पर पीटीआई और बानी पीटीआई के हक में वोट दिया है। पाकिस्तान के नौजवान वोट के जरिए इनकलाब लेकर आए हैं। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस अदलिया का इम्तहान है। तवक्को है कि मुस्तकबल में ऐसा संगीन जुर्म दोहराया नहीं जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Senator Mushtaq Ahmed aur Senator Tahir Bazinjo ne Chief Election Commissioner ke khilaf aain shikni ka mukadma chalane ka mutalba kar diya. Mazeed janenge is report mein. सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर ताहिर बजंजू ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजय रानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक कायद हिजब इख्तलाफ वसीम शहजाद ने पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। बाद अजा सेनेट में आम इंतखाबात 2024 पर बहस का आगाज हुआ। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी और गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ना करवा कर इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकब हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इलेक्शन में ड्रग माफिया और अफगान नेशनल को जितवाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने इलेक्शन का कट्ठा चिट्ठा खोल दिया। इलेक्शन ने मुल्क को अजीम तर मौशी और सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है। इलेक्शन में धांधली करवाने वाले कौमी मुजरिम है। इलेक्शन में बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में गोली ने पर्ची को अगवा किया है। चंद सरकारी नौकर बंद दरवाजों के पीछे अवाम के हक हुक्मरान को छीन कर लिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर माफी मांगे और उनसे 50 अरब वसूल किया जाए। इलेक्शन की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अंग्रेजों से आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की गई कि चंद सरकारी नौकर बंद कमरों में हमें गुलाम बनाने के फैसले करें। इलावा अजीम सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर ताहिर बजंजू ने कहा कि मुल्क को बने 75 बरस हो गए। मुल्क में जमहूरियत का मुंह टेढ़ा है। मुल्क में इख्तलाफ की गुंजाइश सुकर दी जा रही है। तारीख पुकार पुकार कर कह रही है कि खुदारा कुछ सीखो, मगर कोई सीखने को तैयार नहीं। कोई माने या ना माने, आप गलतियों को दोहरा रहे हैं। निगरानों की निगरानी में जो भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़े रहे। अब की बार इंतखाबात मुतनाज़ा तरीन रहे। उन्होंने कहा, मेरा मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके आइन छीकने का मुकदमा चलाया जाए। आखिरी इजलास है, आप एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर हो गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तैनात होने वाले नए जज
नासिर जावेद राना के ताहाल चार्ज ना लेने के बायस बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज ना होने के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी एक बार फिर मौखर हो गई। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने आज अडियाला जेल में समात करना थी। गुज़िश्ता मुतादिद समातों पर जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समात बगैर किसी अदालती कार्रवाई के मुलतवी होती रही, जबकि रेफरेंस की पहली समात करने वाले जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुख्सत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि खौफ की दीवारें तोड़ते हुए 8 फरवरी को आवाम ने पीटीआई को भरपूर मैंडेट दिया। अगर मैंडेट वापस ना दिया गया तो फिर मामलात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि खौफ की दीवारें तोड़ते हुए 8 फरवरी को आवाम ने पीटीआई को भरपूर मैंडेट दिया। अगर मैंडेट वापस ना दिया गया तो फिर मामलात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान वोट के जरिए इनकलाब लेकर आए हैं। प्री पोल रैगिंग हो रही थी, सबको पता है एक जमात को टारगेट किया गया, लोगों को खौफजदा किया गया कि शायद वोट डालने नहीं आएंगे। बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया, एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने सैनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जमहूरियत के मुहाफिजों की हैसियत से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा जुर्म हुआ है जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। हमारा फर्ज है कि जो जख्म है उसको किस तरह ठीक किया जाए। पीटीआई सेनेटर का बुलंद और साफ मैंडेट का फैसला देने पर कौम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना था कि कौम ने यह फैसला उम्मीद और जमहूरियत के हक में दिया है, कोई माने या ना माने, आवाम ने वाज़ेह तौर पर पीटीआई और बानी पीटीआई के हक में वोट दिया है। बानी पीटीआई की सजाओं के हवाले से अली जफर ने बताया कि इलेक्शन से हफ्ता पहले एक और कोशिश की गई। इलेक्शन से कबल 3 मुकदमात में बानी पीटीआई को सजा दे दी गई। मकसद था कि बानी पीटीआई ना अहल हो जाए ताकि वोट ना पड़े। ये केसेस हाई कोर्ट के जरिए ख़त्म ना हुए तो हर सियासतदान के लिए नुकसानदेह होगा। जो आज इन केसेस को सजा को सपोर्ट कर रहे हैं कल उन्हें भी मिल सकती है। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के वक्त आर्टिकल 10 ए लेकर आए थे। आर्टिकल 10 ए कहता है क्रिमिनल केस प्रॉपर ट्रायल के तहत सुना जाएगा। इसके मुताबिक आपको अपने दिमाग में सबूत पेश करने की इजाज़त होती है। उन्होंने बताया बानी पीटीआई के वकला को जेलों में बंद कर दिया गया, उनकी जगह ज़बरदस्ती सरकारी वकील दे दिए गए। बानी पीटीआई को जो वकील दिए गए वो प्रोसिक्यूशन टीम में से थे। उन वकला को जरह और शहादत पेश करने नहीं दी गई, जबकि बानी पीटीआई के वकला को जेल से ट्रायल में पेश होने की इजाज़त नहीं थी। उनका कहना था कि जब भी आवाम का मैंडेट चोरी किया गया अनारकी हुई है, मुझे डर लगता है, खौफ है, तो ये चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर मैंडेट वापस ना दिया गया तो फिर मामला किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। जब किसी का मैंडेट ही नहीं रहेगा तो बनने वाली हुकूमत नाकाम रहेगी। एक जमात को टारगेट किया गया, लोगों को हरासा किया गया, उनमें खौफ पैदा किया गया इस उम्मीद से कि शायद वो वोट करने नहीं आएंगे। पीटीआई के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, सबको मालूम है, कोई छुपी बात नहीं। एक मुकदमे से निकलते थे तो दूसरे मुकदमे में उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। भुट्टो रेफरेंस केस अदलिया का इम्तहान है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। भुट्टो रेफरेंस केस अदलिया का इम्तिहान है। अदालती कत्ल हुआ, उम्मीद है बहुत जल्द इस अदलिया से इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का केस चल रहा है, सदारती रेफरेंस के जरिए तारीख दुरुस्त होगी। जुल्फिकार भुट्टो शहीद इस मुल्क के आइन के बानी है। मुझे आला अदलिया पर पूरा यकीन है, हमें इंसाफ देंगे। बिलावल ने कहा कि जजेस इंसाफ करेंगे, जजेस इस दाग को भी धोएंगे जो अदलिया पर है, और उम्मीद है तारीख दुरुस्त की जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस से हमें मौका फराहम किया है, जो इंसाफ उनकी बेटी को नहीं मिल सका नवासे को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कत्ल हुआ है तो ये नहीं कहा जा सकता कि 10 या 100 साल गुजर गए। हम इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट आए हैं। केस सुनने पर अदालत और चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। अदालती कत्ल आमरियत के दौर में हुआ, मुल्क पर आधे से ज्यादा वक्त आमरियत रही। तवक्को है कि मुस्तकबिल में ऐसा संगीन जुर्म दोहराया नहीं जाएगा।
जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कसास क्यों मांगू, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था कि अपने वालिद को इंसाफ दिलाएं। उम्मीद है जो इंसाफ बेटी को ना मिल सका वो नवासे को मिलेगा। मुल्की सियासत पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। आवाम चाहते हैं कि मिलकर इस मुल्क को चलाया जाए। जमहूरियत में सबको मिलकर चलना पड़ता है। सियासी जमातों को आपस में मिल बैठ कर मुल्क का मुस्तकबिल तय करना होगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। नून लीग से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अपनी शराइत पर वोट देगी। हमारे पास अक्सरियत नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं आवाम के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत दें। मौलाना ने जो बात की उसका जवाब वो खुद देंगे। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझे मुझ पर लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ, तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं। अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।